पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी सीट से लोकसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। उस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और चारों प्रेजेंटर पंडित गणेश्वर शास्त्री, बैजनाथ पटेल, लालचंद कुशवाहा और संजय सोनकर भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने काशी से तीसरी बार नॉमिनेशन दाखिल किया है। इससे पहले वो साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव इस सीट से जीत चुके हैं। आइए सुनते हैं कि लीडरान का पीएम मोदी के नॉमिनेशन को लेकर क्या कुछ कहना है। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी और बिहार में 40 में 40 मिलेगी। काराकाट में भी भारी मतों के अंतर से जीत होगी। हम 2014 में एनडीए में थे, जितना वोट से जीते थे उससे दुगना वोट से इस बार चुनाव जीतेंगे। हम लोगों का सौभाग्य का दिन था कि हमारे नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर यहाँ पर आए थे। हम लोग सब भगवान से प्रार्थना किया है और उनके लिए सुंदर भविष्य की कामना किया है कि उनका जो कॉल है कि अब की बार 400 पार करेंगे और भारत का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यही प्रार्थना करने के लिए आए हैं, शुभकामना देने के लिए आए हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और पूरे देश के लिए, खास करके बनारस की धरती के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नामांकन हुआ है। बहुत अधिक मतों से जीतेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण लेंगे। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोगों को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वही एनडीए की एकता। पत्र दाखिल करने के कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका मिला है। मैं इतना ही कहूंगा, आज आप देख रहे हैं पूरे चुनाव लोग इतने उत्साहित हैं कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जुबान कुछ कह रही है मोदी जी आपकी, असलियत कुछ और है। आपने नारा दिया था ना 400 पार, आज आप 150 नहीं पार कर रहे। आप जब बोल रहे हो ये इंडिया गठबंधन कहीं नहीं है, तो आपके चेहरे के लुक और आपके कहने के दोनों में जमीन आसमान का फर्क। 4 राउंड का हो गया ना, 4 राउंड में आप कहीं हो ही नहीं दूर दराज। आपको एक चीज एहसास कर लेना चाहिए कि भारत की जनता ने मन बना लिया है कि 10 साल तक आपने जो ये जुमलेबाजी की है, झूठ बोला है, देश को धोखा दिया है, गलत वायदे किए हैं, उसका जाने का समय आ गया है। एनडीए जाएगा, मोदी जी आप 4 जून का इंतजार करिए, 4 जून को इंडिया गठबंधन होगा सत्ता में और आप सत्ता से बाहर होंगे। ये इस देश की जनता ने